हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस इन सी शार्प। आज हम इंटरफेस स्टडी करेंगे। इंटरफेस क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंटरफेस इन सी शार्प इज लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज ऑल द मेथड्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो फ्रेंड, जैसे आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वैसे ही इंटरफेस होता है। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वीडियो अपलोड किया, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो फ्रेंड, जो आपका इंटरफेस होता है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होता है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिफरेंट होता है इंटरफेस, कुछ पॉइंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन वर्किंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होती है। इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं फ्रेंड, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उन मेथड्स का हम सिर्फ सिग्नेचर रखते हैं, मेथड की बॉडी नहीं रखते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करते और बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड, इंटरफेस बहुत स्ट्रिक्टली कहता है कि इंटरफेस के अंदर आप बॉडी नहीं रखेंगे, सिर्फ मेथड का सिग्नेचर रखेंगे। और आप जब इंटरफेस में मेथड का सिग्नेचर रखेंगे तो आप उस मेथड के नेम के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंटरफेस इन सी शार्प कंटेन्स ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड्स बट नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, मेथड का सिग्नेचर होता है, ना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड, इट इज़ यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जैसे कि सी शार्प डॉट नेट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के अंदर आप एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरफेस है। इंटरफेस कॉन्सेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, विच कैन नॉट बी अचीव बाई क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप क्लासेस नहीं कर सकते, तो आप इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन बिकॉज इट कैन नॉट हैव मैथड बॉडी। तो फ्रेंड, इंटरफेस आपका प्योर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर मैथड की बॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाई क्लास और स्ट्रक्ट। तो फ्रेंड, आप इंटरफेस को किस कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करेंगे? तो फ्रेंड, आप क्लास और स्ट्रक्चर, सी शार्प में क्लास होती है, स्ट्रक्चर होता है, आप उन दोनों में इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हो। इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन आप क्लास या स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। द क्लास और स्ट्रक्चर विच इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। तो जब आप किसी क्लास या स्ट्रक्चर में जब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस क्लास या स्ट्रक्चर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इंटरफेस के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करें अपने अंदर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंटरफेस एन इंटरफेस कैन बी डिफाइंड यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। तो फ्रेंड, हम जब इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे क्लास के नेम के साथ, तो जब इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंटरफेस इज लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू और मोर ह्यूमंस बाइंड्स देम टू एक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरफेस को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट? तो फ्रेंड, जैसे कि एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं उसको। अगर आपको अपना घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के आप पहले डिसाइड करते हैं क्या क्या करना है, कितना बड़ा घर बनवाना है, कितने कमरे होंगे, उसमें क्या क्या लगेगा, क्या सामान लगेगा, किस क्वालिटी का सामान लगेगा, कितना खर्चा आएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों की बात है। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे घर बनेगा, घर बनाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे हम घर बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, जिससे कि वो एक रफली हम लिख लेते हैं। रफली लिखने के बाद सपोज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए लूँगा बनाने के, सामान भी मेरा होगा, लेबर भी मेरी होगी, या फिर हम डिसाइड करते हैं कि सामान हमारा होगा, लेबर आपकी होगी, तो कितना खर्चा आएगा। क्योंकि फ्रेंड, लाखों करोड़ की बात है, तो ऐसा ना हो कि लास्ट में आके लड़ाई हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर कहे कि मुझे 2 लाख 4 लाख रुपये और चाहिए। तो पहले हम एक पेपर पर लिख लेते हैं क्या क्या करना है।
तो फ्रेंड लीगली काम करने के लिए कि हमें इतना ही काम करवाना है, सपोज आप 10 लाख कह रहे हैं तो 10 लाख ही लेंगे आप, बाद में 2 लाख और नहीं बोलेंगे। अगर लास्ट में आके लड़ाई हो जाती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। दोनों पार्टी के साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की भी और आपकी भी साइन हो जाएंगे लीगली स्टैम्प पैड पे। हम स्टैम्प पे लिखते हैं सब कुछ, ओके करवाते हैं कोर्ट से, तब काम शुरू करवाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड जैसे हम इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाते हैं, सपोज हम कंपनी हैं, हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर सपोज कीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, हमने कहा 1 करोड़ रुपये लगेगा, तो हम क्लाइंट के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि सर इतना ही काम करवाना है आपको, आपको इतने ही मॉड्यूल्स बनवाने हैं, इससे ज़्यादा आप मॉड्यूल नहीं बनवाएंगे, अगर इससे ज़्यादा आप मॉड्यूल बनवाएंगे तो और खर्च आएगा, तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसका पेमेंट आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, फिर हम फिर से काम करना शुरू करेंगे, जिससे कि फ्रेंड कोई लड़ाई ना हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक रफली डिसाइड करना है रफली क्या क्या करना है, तो इसी तरह से हमको इंटरफेस है, जैसे फ्रेंड इंटरफेस के अंदर हम मेथड बना रहे हैं ना, मेथड की बॉडी तो नहीं रख रहे, सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में करना क्या क्या है, क्योंकि हम इंटरफेस को जब प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना हमें मेथड में करना क्या क्या है, कौन कौन से मेथड बनेंगे, उन मेथड की क्या काम होगा, उनकी फंक्शनलिटी क्या होगी, फिर हम उनको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो इसलिए इंटरफेस को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड, इंटरफेस का सिंटेक्स क्या होता है फ्रेंड, कैसे डिक्लेयर करते हैं इंटरफेस को, इंटरफेस कीवर्ड आएगा उसके आगे इंटरफेस का नेम आएगा, जैसे हम क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड क्लास का नेम, ऐसे इंटरफेस कीवर्ड इंटरफेस का नेम। एग्जांपल है फ्रेंड नीचे इंटरफेस कीवर्ड और देन इंटरफेस नेम आई लॉग, तो मैंने एक इंटरफेस बनाया आई लॉग के नाम का, तो फ्रेंड आई लिखा हुआ है, आई का मतलब इंटरफेस। तो फ्रेंड जब हम इंटरफेस बनाते हैं तो उसका जब हम नाम डिक्लेयर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसमें आई लगाना कंपलसरी होता है। कंपलसरी ऐसा नहीं है कि कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी अगर आप आई यूज़ नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है फ्रेंड। आई यूज़ करने से हमें पता चल जाता है कि ये इंटरफेस है, सपोज मैंने इंटरफेस बनाया और मैंने किसी डेवलपर को दिया है, तो वो आई जैसे ही देखेगा वो समझ जाएगा कि इंटरफेस है, तो ये डिफरेंस आया था इंटरफेस और क्लास में। तो इसलिए हम जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं तो क्लास तो इस इंटरफेस के नेम के साथ आई अपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे फ्रेंड है इंटरफेस आई लॉग, तो मैंने एक इंटरफेस बनाया आई लॉग नाम का, उसके अंदर मैंने मेथड बनाया void log, मेथड का नेम है log और एक उसमें पैरामीटर पास करें स्ट्रिंग मैसेज टू log। तो फ्रेंड हमने एक इंटरफेस बनाया उसके अंदर मेथड का सिग्नेचर रखा, सिर्फ डिक्लेयर किया बॉडी नहीं दी है। तो फ्रेंड एक हम सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मुझे प्रोजेक्ट में सिर्फ ये मेथड इंप्लीमेंट करना और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट इंटरफेस। तो फ्रेंड मैंने क्लास में क्लास का नेम है कंसोल लॉग, कंसोल लॉग के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया है इंटरफेस को। तो फ्रेंड जैसे हम क्लास को इनहेरिट करते हैं ऐसे हम इंटरफेस को भी इनहेरिट करते हैं, इंटरफेस इनहेरिट होता है, तो इनहेरिट करने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। तो क्लास का नेम है कंसोल लॉग कॉलन आई लॉग, उसमें इंटरफेस को मैंने इनहेरिट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो क्लास है कंसोल लॉग, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसको वो बॉडी प्रोवाइड करे। तो हमने लिखा पब्लिक वॉइड लॉग स्ट्रिंग मैसेज टू प्रिंट, ठीक है फ्रेंड सेम सिग्नेचर, उसके अंदर हमने उसे इंप्लीमेंट कर दिया और लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज टू प्रिंट, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हमने नीचे एक और क्लास में क्लास फाइल लॉग, फाइल लॉग में हमने इंप्लीमेंट किया आई लॉग को और फिर हमने उस मेथड को फिर से बॉडी दे दी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने इंटरफेस को यूज़ किया। अब कॉल कैसे करते हैं फ्रेंड, तो कॉल करने के लिए यू कैन इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आइदर द कंसोल लॉग और फाइल लॉग क्लास। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि हमने मेथड ओवरराइडिंग की थी, मेथड ओवरराइडिंग में हमने बेस क्लास रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी इंटरफेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो इंटरफेस का नेम है आई लॉग, रेफरेंस वेरिएबल लॉग इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा कंसोल लॉग का, जो क्लास है जिसमें मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही हमने एक क्लास और बनाई थी फाइल लॉग और उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फाइल लॉग का और ऑब्जेक्ट रेफरेंस किसका क्रिएट किया इंटरफेस का, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हम कॉल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, एग्जांपल देखो फ्रेंड। तो मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन लिया, कंसोल एप्लीकेशन क्लास है, उसमें क्लास का नेम है इंटरफेस, एग्जांपल हमारा टॉपिक है आज इंटरफेस, उसके अंदर मेन मेथड है, ठीक है फ्रेंड। तो पहले मैं एक इंटरफेस ऐड कर लेता हूँ इसमें क्लास के ऊपर, तो मैंने एक इंटरफेस लिया। तो इंटरफेस बनाने के लिए फ्रेंड हम यूज करते हैं कीवर्ड इंटरफेस, आ गया विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस दिखा रहा है इंटरफेस, इंटरफेस नेम आई लॉग, एक इंटरफेस बनाया मैंने, इंटरफेस का नेम है आई लॉग, ठीक है फ्रेंड। इसमें मेथड बनाएंगे void
लॉग। देखो फ्रेंड, लॉग स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है फ्रेंड। मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर मेथड बनाया void log string message। तो फ्रेंड देखो, मैंने इसको बॉडी नहीं दी है, ये सिर्फ डिक्लेयर किया मैंने मेथड को। तो चलो कोशिश करते हैं कि इसको हम बॉडी देके देखते हैं। देखिए बॉडी देके तो फ्रेंड मैंने इंटरफेस के अंदर एक मेथड बनाया, उसको बॉडी देने की कोशिश की, तो देखो फ्रेंड एरर आ रही है। आई लॉग डॉट लॉग इंटरफेस मेंबर्स कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। तो एरर आ रही है, इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसको आप डेफिनेशन नहीं दे सकते, उसको बॉडी नहीं बना सकते आप। बिल्ड करके देखते हैं फ्रेंड, ये बिल्ड हो रहा है क्या। कंपाइल करते हैं, प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है। देखो फ्रेंड एरर आ गई है, एरर है इंटरफेस मेंबर्स कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन। इंटरफेस के जो मेंबर्स हैं उनको आप डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो फ्रेंड इसका मतलब है हम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हटा दिया, सिर्फ मेथड का सिग्नेचर दिया है। तो फ्रेंड जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जिस मेथड का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे। तो यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करके देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड चलता है क्या। एब्स्ट्रैक्ट, तो देखो फ्रेंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा तो भी एरर आ रही है। द मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। इंटरफेस के अंदर आप जिस मेथड को बॉडी नहीं दे रहे उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। डिफरेंस आ रहा है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में। तो फ्रेंड आप इंटरफेस के मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखो फ्रेंड, ये इंटरफेस के अंदर जो मेथड है मैंने इसको पब्लिक नहीं लिखा है, ये पब्लिक नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या प्राइवेट है, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता हूँ। देखो फ्रेंड पब्लिक लिखने पर भी एरर आ रही है, एरर है द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। आप मैथ इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं उनके अंदर उसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर मेथड भी पब्लिक होते हैं, ओके फ्रेंड। चाहे आप पब्लिक यूज मत कीजिए मत कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। तो फ्रेंड जो इंटरफेस है आपका, इंटरफेस के मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसको यूज करेंगे तो एक क्लास बनाएंगे, क्लास कंसोल लॉग, एक क्लास और बनाएंगे फाइल लॉग, एक क्लास बनाई मैंने कंसोल लॉग, एक फाइल एक क्लास बनाई फाइल लॉग, ठीक है ना। अब इसमें कुछ अब मैं इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगा इस क्लास के अंदर, कैसे करेंगे फ्रेंड, इनहेरिट करेंगे, कॉलन लगाएंगे आई लॉग, ऐसे यहां पे करेंगे इनहेरिट करेंगे फ्रेंड। इनहेरिट करने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, कॉलन आई लॉग। तो देखो फ्रेंड एरर आ रही है, एरर आ गई है, एरर है कंसोल लॉग क्लास डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई लॉग डॉट लॉग। तो देखो फ्रेंड जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया इसमें एरर आ गई है, और एरर ये आ रही है कि आपने इस क्लास के अंदर कंसोल लॉग क्लास के अंदर आई लॉग का लॉग मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसको कर लीजिए। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, कंपल्सरी हो गया अभी ये। अब इस मेथड को कौन इम्प्लीमेंट करे, क्लास, तो क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करे, तो ठीक है फ्रेंड। चलिए वॉइड लॉग स्ट्रिंग मैसेज,
console dot write line ठीक है फ्रेंड फ्रेंड यहाँ पे एरर आ रही है, कंसोल लॉग डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई लॉग डॉट लॉग, कंसोल लॉग डॉट लॉग कैन नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर बिकॉज इट इज़ नॉट पब्लिक। तो फ्रेंड ये जो मेथड है, ये मेथड है यहाँ पे इंटरफेस के अंदर, इसको हम पब्लिक नहीं बना सकते, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो पब्लिक कहाँ बनेगा फ्रेंड, ये यहाँ पे इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा इसे यूज़ करने के लिए, पब्लिक। तो देखो फ्रेंड एरर हट गई, पब्लिक लिखते के साथ ही हमारी एरर हट गई है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अब फिर से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरह से। देखो फ्रेंड void log, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, पेस्ट किया, फिर से एरर है। पब्लिक के लिए कह रहा है वो, इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा यूज करने के लिए, पब्लिक। तो फ्रेंड हम इंटरफेस के मेथड को पब्लिक नहीं बना सकते, लेकिन जब हम इसको इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ता है। तो इंटरफेस आई लॉग के मेथड को मैंने इस क्लास में भी इम्प्लीमेंट किया और इस क्लास में भी इम्प्लीमेंट किया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने यूज़ किया। तो इंटरफेस के जब मेथड को हम क्लास में इनहेरिट करते हैं फ्रेंड, तो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना। तो ये कंपल्सरी हो गया, तो हमने इसको कॉल किया। तो हम इसको लिखते हैं आई फाइल लॉग, फाइल लॉग। ठीक है फ्रेंड, अब कॉल करेंगे इन मेथड्स को, कॉल करेंगे। कॉल कैसे करते हैं देखो फ्रेंड, तो इंटरफेस क्लास का, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो इंटरफेस है आपका आई लॉग, आई लॉग क्लास का नेम है, कंसोल लॉग इज इक्वल टू न्यू कंसोल लॉग, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल और कंसोल लॉग का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने मेथड ओवरराइडिंग में किया था। तो फ्रेंड इस तरह से करते हैं हम, डॉट, देखो फ्रेंड मेथड एक्सेस हो गया, लॉग। यहां पे फ्रेंड हमने मैसेज यूज किया था, तो ऐसे करते हैं इसको यहां से कट कर लेता हूं मैं, यहां से कट करके यहां से मैसेज पास करेंगे और यहां पे मैसेज देंगे, इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे ही यहां से कर लेते हैं फ्रेंड। अब यहां से करेंगे आई लॉग इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल, फाइल लॉग का ऑब्जेक्ट, फाइल लॉग डॉट लॉग, मैसेज पास कर देते हैं, ये यहाँ से मैसेज पास कर देते हैं, यहाँ पे हम मैसेज वेरिएबल प्रिंट करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है फ्रेंड, इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के अंदर मेथड बनाया, क्लास बनाई, क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, उसके मेथड को इम्प्लीमेंट किया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया इस क्लास में, फिर कॉल कैसे किया, मेन मेथड में जाके इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया कंसोल लॉग का, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल कर लिया। ऐसे ही फ्रेंड दूसरी क्लास को कॉल किया हमने। ठीक है फ्रेंड, अब इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, प्रोजेक्ट कंपाइल हो रहा है, बिल्ड सक्सीड, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं।
आउटपुट आपके सामने है, कंसोल लॉग क्लास लॉग मेथड कॉल, फाइल लॉग क्लास लॉग मेथड कॉल। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने इस तरह से इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। ओके तो इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। विदाउट इंटरफेस प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, इंटरफेस को हमें यूज करना ही पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।